बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बरसरे इख्तदार आने के बाद हमें सिर्फ एक चीज का नारा बुलंद होता हुआ नजर आया, वो था एहतसाब, जिसके बाजगश्त हमें कौमी असेंबली में भी सुनाई दी गई। लेकिन आज इस हवाले से एक अलग सूरत हाल रही। कौमी असेंबली के इजलास में आज एक अहम पेशरफ्त हुई, जिसे आप ऐवान चलाने का एक तकाजा भी कह सकते हैं, या फिर बहुत ही खूबसूरत यू टर्न हुकूमत की जानिब से। यानी हुकूमत ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो पीएसी चेयरमैनशिप का मामला था, उसके फैसले का इख्तियार जो है अपोजिशन लीडर को दे दिया है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी इंदिया दिया है कि नून लीगी अरकान के मामलात के लिए जेली कमेटी बनाई जाएगी। शहबाज शरीफ ने एतमाद पर अपोजिशन का शुक्रिया अदा किया, लेकिन साथ साथ उन्होंने एक बार फिर वही बात दोहराई जो अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ कहती आ रही हैं कि नैब और पीटीआई का गठजोड़ है। अब नाज़रीन, देखना यह होगा कि आया ये सेशन आगे भी बढ़ सकेगा, अवामी इश्यूज पर बात दी जा सकेगी, कोई लेजिस्लेशन होगी, या बस यूं ही हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान रस्साकशी जारी रहेगी। नाज़रीन, शहर इख्तदार की तो हमने बात की, लेकिन साथ साथ शहर कायद की भी बात करेंगे, जहां पहले हमने देखा कि बिजली और पानी जैसी बुनियादी जरूरियात का भुगतान था, अब सितम बालाए सितम गैस का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया है। मुल्क को पहले ही गैस की किल्लत का सामना था, मगर अब तो गुज़िश्ता चार रोज से सनअती यूनिट्स को गैस की फराहमी मुअत्तल है, सीएनजी स्टेशंस बंद है, जिसकी वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होश रुबा इजाफा कर दिया गया है और आम सार्फिन को चूल्हा जलाने में भी दिक्कत पेश आ रही है। इस हवाले से वजीर आजम साहब ने कुछ सख्त इकदाम उठाए, जबकि वजीर आला सिंध ने खफगी का इजहार करते हुए विफाक से मदद भी तलब कर ली है। मगर हैरत की बात है नाजरीन के, ये काम जो विफाक और सूबों को दोनों को करने के थे, दोनों बस एक दूसरे पर गम गुस्से का इजहार भी करते आ रहे हैं। बेचारे गरीब अवाम रहे इसको भुगत भी रहे। उधर सिंध में सहराय थर की भी बात कर लेते हैं, जहां अरसा दराज से यही हाल है, जहां पानी और गजा की किल्लत है, बच्चों की अमवात हो रही है, बुनियादी जरूरियात का फुकदान है। चीफ जस्टिस ने बजाते खुद वहां का दौरा किया और थर के बाशिंदों की जो हालत इजार पर है उस पर गम गुस्से का इजहार किया। इन तमाम मसाइल की जड़ क्या है, ये मसाइल हल कैसे होंगे और अवाम के हालात कब बदलेंगे, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है इम्तियाज फरहान साहब, सीनियर सहाफी हैं। बहुत शुक्रिया इम्तियाज आपका, और साथ साथ हम अवामी मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आजकल अवामी नुमाइंदगान और अपोजिशन के नुमाइंदगान जो है वो एक दूसरे की रस्साकशी में इतने ज्यादा मसरूफ हैं कि अवामी मसाइल पर बात करने से कतराते हैं। मैं साफ ये बात करूंगी इम्तियाज साहब, सारा आपने किस्सा सुन लिया है, अब हम शुरुआत पहले कहां से कर लें, शहर इख्तदार से कर लेते हैं। जहां से भी नेशनल असेंबली का सेशन हुआ आज, आज कुछ हमें लग रहा था, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात की कि जी अब कुछ मामलात आगे बढ़ेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उन्होंने एक इख्तियार तो दे दिया है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप का, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा कि नून लीगी जो रहनुमा है उनके मामलात के लिए हम एक कमेटी बना देते हैं, कायमा कमेटी। जी जी, तो ये लग रहा था मसले का हाल है, कान इधर से पकड़ के उधर से पकड़ लिया गया छोड़कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें खान साहब, मैं समझता हूँ कि पीटीआई अपने एजेंडे पर सही तरीके से जा रही है और उसको पूरी सपोर्ट हासिल है। एजेंडा अवामी मसाइल हल करने का नहीं है, कन्फर्टेशन पैदा करने का है। अगर मुराद सईद जिस तरह से हाउस में बात करते हैं, फवाद चौधरी साहब जिस तरह से हाउस में बात करते हैं, फिर शफकत महमूद एक तड़के के तौर पर जिस तरह से सामने आते हैं, ये बिल्कुल सही चल रहे हैं, सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब अपोजिशन को अपनी डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि देखें प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया कि वो हाउस आया करेंगे बाकायदगी के साथ और जवाब भी दिया करेंगे, वो नहीं आए। महंगाई बतदीज बढ़ रही है, फॉरेन पॉलिसी आपकी अच्छी करार दी जा सकती है लेकिन रिजल्ट लेस फॉरेन पॉलिसी आपकी, और इकोनॉमिकल पॉलिसी अभी तक समझ नहीं आ रही कि किस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि हमारे वजीर ख़जाना कोई और बात करते हैं, जो दूसरे कोई और होते हैं वो दूसरी बात कर रहे हैं। अब अगर आप मीडिया के हवाले से देखें तो चार चार पाँच पर एडवाइज़र्स होने के बावजूद मीडिया की पॉलिसी भी सही नहीं जा रही। तो एक पॉलिसी बिल्कुल सही है कि हाउस में आके आप चोर करप्शन इसका शोर करें, उसके ऊपर जो एजेंडा है डाइवर्ट हो जाएगा, और इसमें वो कामयाब है अभी तक, अंदर भी हाउस के अंदर भी और बाहर भी। अब ये अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि अपोजिशन अपने अंदर कैसे तब्दीली लाती है अपनी पॉलिसी के ऊपर, कि गवर्नमेंट को सही डायरेक्शन में रखे, सही तरतीब में लेकर जाए, अवामी इशूज़ के ऊपर रखे। ये जैसे हम आगे अगर चल के बात करेंगे कराची पर, अगर जैसे ये जो गैस के मामलात हैं ये बिल्कुल तयशुदा मामला थे और इसमें फेडरल गवर्नमेंट बराबर की शरीक है, इसमें भी बात करेंगे हम इंशाल्लाह कि कोई ऐसा मसला नहीं है। देखें अगर डिटेल में हम अभी भी अगर कह दें तो आपको याद होगा कि शेख रशीद साहब
दो से जायद मरतबा सुप्रीम कोर्ट गए थे शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ, जब वो मिनिस्टर थे जब भी गए थे एलएनजी केस में, और जब वो प्राइम मिनिस्टर थे जब भी गए, उन्होंने बोला लग पता जाएगा अब ये जेल में जाएगा, शाहिद खाकान जेल में जाएगा। लेकिन आपने देखा कि हुकूमत की फॉर्मेशन के बाद शेख रशीद साहब एलएनजी केस के अंदर अभी तक अदालत नहीं गए, एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि पाकिस्तान में जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसने आकर सबसे पहले किसी पॉलिसी को अगर कंटिन्यू रखने का ऐलान किया है तो वो एलएनजी पॉलिसी थी। उन्होंने कहा एलएनजी पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी और सब्सिडी सब जगह से खींच रहे हैं, लेकिन सब्सिडी अगर सिर्फ दी जा रही है तो वो सिर्फ एलएनजी पे दी जा रही है। और ये एक और बात है कि पंजाब गवर्नमेंट या पंजाब सूबे पंजाब वो प्रोजेक्ट जो चुपते थे इनको, जो मौजूदा हुकूमत जो ऑपोजिशन में थी, आने के बाद कंटिन्यूटी करने कर रहे ना खान साहब। सही कहा नून लीग वालों ने, उन्होंने कहा कि हमारे प्रोजेक्ट्स को ये आगे बढ़ा रहे, अगर इतनी खराब थे इतनी करप्शन थी तो बंद करते ना, लाते ना नया कोई प्रोजेक्ट। मफाद की बात है, लेकिन ये एलएनजी केस जो है ना खान साहब, ये सूबे पंजाब और तीनों सूबों के दरमियान किसी वक्त भी तसादुम का सबब बनेगा, ये आप देखेगा। देखे एलएनजी इंपोर्ट होता है कराची पोर्ट के ऊपर, बिन कासिम पोर्ट के ऊपर, इंडक्ट होता है साउदर्न गैस पाइपलाइन में या नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन में, उसके जरिए जाता है पंजाब में, उसके बाद पंजाब में किसी की कोई लोड शेडिंग गैस की नहीं है, जबकि जो नेचुरल गैस है वो तीन सूबों को प्रोवाइड की जा रही है, सिंध गवर्नमेंट को प्रोवाइड की जा रही है, खैबर पख्तूनख्वा को, बलूचिस्तान। दो सूबे तो समझ आते हैं कि जी बलूचिस्तान और सिंध, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा पंजाब से निकल के जा रहा है आगे। वहां पर जो ड्रिलिंग और जो टैक्सेस हैं ये एक्सप्लोर करने के गैस के, वो आप टैक्सेस भी ले रहे हैं इन तीन सूबों से, और जो सूबा पैदा कर रहा है जैसे पहले किसी जमाने में सुई तो होता था। आप नहीं समझते कि जो मुल्क में गैस का शॉर्टफॉल था पहले ही, अब सिंध में जो बोरानी कैफियत जानबूझ के पैदा की जा रही, कॉस्मेटिक भी पैदा की जा रही है, और क्या पंजाब को कवर करने के लिए, क्योंकि इन्होंने वादा किया था इस बार ये जो तवानाई के मिनिस्टर उमर अय्यूब साहब ने, उन्होंने कहा था जी नहीं होगी गैस की लोड शेडिंग, अब उस वादा वफा करने के लिए वो गैस की सिंध की जितनी गैस है वो उसको वहां दे रहे हैं, एलएनजी दे रहे हैं, एलएनजी सुई सौदन गैस नॉर्दर्न गैस कंपनी की जो पाइपलाइन है, स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, उसके जरिए एलएनजी इंडक्ट करके पंजाब को पूरी सप्लाई दी जा रही है। पंजाब हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन ये बहुत खतरनाक काम हो रहा है, क्योंकि ये सूबों में ये, और हो सकता है सिंध में शिद्दत के साथ अब आइंदा चंद दिनों में बात है। कल आपने जुनेद मागडा साहब वाली एक बात सुनी होगी, प्रोग्राम में भी उनको बुलाया जी जी, उन्होंने एक बात कैटेगोरी कली कही, उन्होंने कहा कि भाई आपने हमें गैस से पैसे लेते हैं ना, हमें एलएनजी देते हैं, एलएनजी का क्या प्रॉब्लम है। अब एलएनजी का ऐसा महसूस होता है कि एलएनजी की जो इम्पोर्ट है वो मजीद बढ़ाई जाएगी, और वो इस शॉर्टफॉल के नाम पर शॉर्टेज करके एलएनजी को इंपोर्ट किया जाएगा ताकि उसकी सप्लाई ज्यादा और इनका मुफाद पंजाब को मुकम्मल दी जा रही है, वहां पे कोई लोड शेडिंग नहीं है। अच्छा एलएनजी हो रही लेकिन सिंध में इंपोर्ट। हाँ ठीक है, तो ये जो एक तो टेक्निकली मुझे पता नहीं, मैं इसको रिसर्च कर रही थी, तो तकरीबन 4000 MMCD FD जो है गैस, वो सिस्टम में पहले ही कम थी, तो ये जो बात बताई गई है, ये जो मैंने सर्च किया, ये गलत है फिर ये बात, गैस कम नहीं थी क्या? क्योंकि सिंध में तो गैस निकलती है ना, और आईनी रूप से जिस सूबे से गैस निकलती है ज्यादा हिस्सा तो उसे ही मिलता है, खासतौर पर 18 अमेंडमेंट के बाद यही सूरत यही है ना। लेकिन खान साहब बात यह है कि हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद करने वाले ये आदाद व शुमार हैं जो गलत पेश किए जाते हैं, चाहे वो सेंसिस के हो, चाहे किसी चीज के एक्सप्लोर करने के हो, चाहे किसी चीज की प्रोडक्शन के हो, चाहे किसी चीज की कंजप्शन के हो, ठीक है, ये सारे के सारे झूठे आदाद व शुमार पैदा किए जाते हैं। एक छोटा सा ब्यूरोक्रेट होता है जो बैठ के वो लिख रहा होता है जी आज इतने क्यूबिक फीट गैस हमने एक्सप्लोर की, इतनी इम्पोर्ट कर ली, ये कर ली, उसकी कहीं नहीं है और उसकी कोई सजा नहीं है कि अगर कोई गलत बयानी कर रहा है तो उसको सजा क्या दी जा सकती, इसकी कोई वो नहीं है, कोई तरीका नहीं है। अब एक चूंकि ये हुकूमत एक नया मामला आ गया, सारी तवज्जो चली गई गैस के ऊपर, फेडरल गवर्नमेंट बच गई बहुत सारे मामलात के ऊपर, बहुत सारे इश्यूज आ गए। ठीक है नाजिम, बड़ी अजीब सी बात है कि कुछ दिन पहले वजीर आजम साहब ने जब अपने काबीना अपने मिनिस्टर्स की जो एक परफॉर्मेंस थी, 9 घंटे वो सुनी गई, वो मीटिंग तवील रही, उस 9 घंटे के बाद सब अच्छा है कि एक रिपोर्ट कार्ड जारी कर दी गई, मगर हैरत की बात यहाँ पर यह भी है कि हर सेक्टर में जो है हम फुकदानी देख रहे हैं, किसी जगह से हमें अच्छी खबर सुनाई नहीं दे रही, वजूहात क्या है, और सूबे सिंध सूबे में खासतौर पर जो बुरानी कैफियत पहले बिजली की रही, पानी की रही, और अब गैस की हो रही है, इसकी वजह क्या है? कहीं ना कहीं विफाक तो जिम्मेदार है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा जिम्मेदार जो है वो सूबाई हुकूमत भी। बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
मैगनाजीन, और हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे अवामी मसाइल के हल करने की, और जिस तरह के हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो एहतसाब का नारा बुलंद कर लेकर तो आई, मगर इस वक्त समझ नहीं पा रहे अवाम के मसला एहतसाब का ज्यादा है या फिर मईशत का ज्यादा है। इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है अमान महसूस साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, बहुत शुक्रिया अमान साहब। अमान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे सूबे सिंध के हवाले से बात करना चाहूंगी कि इतने सारे मसाइल दरपेश है, किसी एक मसले पर तवज्जो नहीं दी जा रही। अभी इंक्रोचमेंट का मसला चल रहा था, अब गैस का बहरान आ गया। कराची और सिंध के जो बासी हैं उन्हें जो सूबाई हुकूमत तकरीबन 10-11 साल से बरसर इख्तदार है, आप लोग कोई भी मामला तो उनको एड्रेस करने में, उनके मसाइल हल करने में कभी संजीदा नजर आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेन मसला ये कि सिंध में असल में वफाक का मसला, अभी जो दोनों मसाइल आए, अभी इंक्रोचमेंट का जो मसला था, आपको पता है वफाक और चीफ जस्टिस इमरान खान साहब, वसीम अख्तर सब एक दूसरे को शाबाशियां दे रहे थे, ये भी वफाक की तरफ से हुआ है और चीफ जस्टिस का बड़ा इसमें किरदार था। लेकिन उसमें ऐसे मसाइल भी थे कि हम ये नहीं चाहते कि इंक्रोचमेंट के हम बिल्कुल खिलाफ नहीं, बिल्कुल जो भी इंक्रोचमेंट है जायज वो करें, लेकिन इसकी आड़ में जो इस तरह के मकानात लोग, मैंने जो सवाल आपसे पूछा उसका जवाब देना आप, तो वही जवाब भी आ रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ, आप तमीद बांध रहे हैं ना, आप असल में उसी तरफ आ रहा हूँ। दूसरी बात यह कि आप गैस का बहरान शुरू हो गया, ठीक है, आप देख लें कि पिछले आप मेरे ख्याल में 2016-17-18 के फाइनेंस मिनिस्टर के असद उमर कि आप अगर स्टेटमेंट उनकी कौमी असेंबली में तकरीरें देख लें कि वो रोज इनके यही बयानात होते थे कि टैक्स दे, कि टैक्स लग रहा है, गैस पे टैक्स लग रहा है, ये लग रहा है। तो ये आज मैं कहता हूं कि अपनी टैक्स को कहते हैं, और सबसे ज्यादा अभी टैक्स पे तो छोड़ दे, वो महंगाई तो इतनी कर दी बल्कि बंद ही कर दी है सिंध से, ठीक है। तो ये सारे वफाक की वजह से मसाइल है सिंध हुकूमत जहां तक हो सकती है। आज आप देख लें कि इंक्रोचमेंट के हवाले से सिंध हुकूमत मेरे ख्याल में कोर्ट में सबसे सिंध हुकूमत ही गई है नजरसानी के लिए, ठीक है। अच्छा, मैं जरा वफाक का भी एक उनसे ले लेती हूँ, उनका मौकफ ले लेती हूँ। खुर्रम शेर जमान ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है और सिंध में तो बहुत ही एक्टिव है, और खासतौर पर जो है इंक्रोचमेंट के हवाले से हमने उनकी आवाज बहुत ऊंची भी देखी थी। खुर्रम शेर जमान, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन खुर्रम, मैं आपसे आज नेशनल असेंबली के सेशन से आगाज करूंगी। बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों के एक हमें एक आम पेशरफ नजर आई है कि ऐवान को चलाने के लिए आप लोगों ने शायद इस तकाजे को समझ लिया और आपने कहा ठीक है पीएसी चेयरमैन जो है वो शहबाज शरीफ हो जाए। आपको आवाज आ रही है? अच्छा, डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है, मुझे आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूं मैं, क्या? अच्छा, आज के नेशनल असेंबली के सेशन पर बात करूंगी मैं खुर्रम शेर जमान, उनसे हमारा रब्ता मुनकता हो गया है। चले, मैं तो बेचारी थी पहले आज नेशनल असेंबली के जो सेशन है उसके हवाले से बात करूं। लेकिन सर, आप लोगों की बात जब हम करते हैं ना, तो आप लोग अपने आप को बरी उजम्मा बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। आप कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, आपने वो मैनुफेस्टो दिया, मगर आज 10-11 साल में अगर सिंध के बासी कराची के आवाम से अगर आप पूछ ले तो आप लोग रस्सा कशी बताते हैं कि जी एनक्यूएम बरसर इक्तदार रही, वो भी आपके मुफादात में रही, आपके मुफादात में रही, फिर हटी, फिर रही, फिर हटी, इंक्रोचमेंट आप लोग के जमाने में आई, पानी का बहरान आप लोग नहीं एड्रेस कर सके, बिजली के मसाइल आप लोग नहीं देख सके, अब मसला आ गया गैस के बहरान का, आज सीएम साहब नाराज किस बात पे हो रहे हैं वजीर आजम साहब से, और तावुन किस लिए मांग रहे हैं? आप लोग का क्या काम है यहाँ पे? आप लोग को तो 18वीं तरमीम में सारे इख्तियार मिले हुए हैं ना, यही तो मसला है। अब आपने काफी, मेरे ख्याल में इम्तियाज भाई को भी पता है कि काफी दिनों से एक मसला चल रहा है कि 18वीं जो तरमीम है उसमें भी अमेंडमेंट करने की कोशिश कर रही है वफाकी सर, वो कर ही नहीं सकती नहीं, ना, आप देख रहे ना, वो कुछ ना कुछ दो तिहाई अक्सरियत चाहिए उनको सर, पीटीआई को दो तिहाई अक्सरियत चाहिए, वो सिर्फ आपको डरा रहे और आप लोग डर रहे हैं। डराने की कोई बात क्यों फरहान साहब, मैं गलत बात करी? खुर्रम शेर जमान हमारे साथ है, खुर्रम शेर जमान साहब क्या बात है, बात नहीं करनी सर तो बता दे, जब कॉल मिलती है तो ड्रॉप हो जाते हैं, मेरे ख्याल सिग्नल का कोई इशू है, तो खुर्रम साहब को कहें थोड़ा सा ऐसे जगह पर आ जाए जहां पे सिग्नल हमें ज्यादा आसानी कैच हो सके। फरहान साहब, ये मसले तो मुझे लगता है नहीं हल हो सकते कभी, ये 18वीं तरमीम की रस्सा कशी, अब अगर विफाक किसी मामले में इंटरवीन भी करती तो उन लोग की चीखें निकल जाती हैं कि जी हमारे मामला में आप मुदाखलत कर रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि वजीर आला को अपने पावर एक्सरसाइज करने चाहिए हर लिहाज से, चाहे वो गैस की एक्सप्लोरेशन हो या एलएनजी की यहाँ से सप्लाई की बात हो, उसको उनको अपने रिट को बताना चाहिए, फिर लग पता जाएगा वफाकी हुकूमत को। थाना बिन कासिम के एसएचओ को ऑर्डर करें कि यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं होगी जब तक सिंध की गैस बहाल नहीं की जाती, और वो आगे जाके जो एक्सप्लोरेशन है उन सब के जो एमडी, मुझे जाम सादिक साहब का दौर याद है, मैं इब्तिदा में नया नया आया था उस वक्त जर्नलिज्म में और एक सिंधी अखबार इबरत में होता था, तो वहाँ हमने देखा, वो बोलते थे मैं वजीर आला हूँ, उस वक्त तो 18वीं तरमीम भी नहीं थी, और वो
तो आई थिंक के नवाज शरीफ ही थे मरकज के अंदर और यहाँ पर वीना आयात केस हुआ था, चौधरी निसार, गुलाम दस्तगीर खान, मलिक नईम ऐवान और जनरल मजीद मलिक साहब आए थे और अदमना हाउस के अंदर प्रोग्राम था और सारी चीज़ें हुई। तो जब प्रेस टॉक होने लगी तो साहबियों ने सवाल किया कि भाई आपको गुलाम इसरा खान साहब ने भेजा है वीना आयात केस को इंक्वायरी करने के लिए, तो कैसे इब्तदा होगी? इससे पहले कि वो 4-62 वज़रा वफाकी वज़रा जवाब देते जिन्हें गुलाम इसरा खान ने भेजा था, जाम सादिक साहब ने फरमाया मैं सिंध का वजीर आला हूँ, ये आए मेरे मेहमान के तौर पे, हाँ ये मेरे मेहमान के तौर पर, बिल्कुल ये मेरे मेहमान के तौर पर आए, अगर ये इन्वेस्टिगेशन करने आए तो इनमें से एक भी वापस नहीं जा सकता, मैं देखता हूँ ये एयरपोर्ट पे जाते कैसे हैं, सारी बात खत्म हो गई थी। तो ये फिर वजीर आला पावर एक्सरसाइज करें क्योंकि ये डमी एक सूरत हाल है, आर्टिफिशियल ये मामलात हैं, इनको दूसरे, और आपकी बात बिल्कुल सही है, वो डरा रहे हैं और अभी तक कम अज कम अभी तक तो ये आगे क्या होता है नहीं पता, अभी तक वाकई या तो इंस्पायर्ड हो रहे हैं उनकी एक्टिविटीज से या डर रहे हैं, दोनों में से कोई एक बात हो सकती है। और दूसरी बात ये खान साहब के मीडिया मैनेजमेंट नहीं है सिंध गवर्नमेंट के पास, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया 10 साल में, ऐसा नहीं है, लेकिन साबित ये हो जाता है मीडिया में आकर कि इन्होंने कुछ नहीं किया। बहुत सारी चीजें थर पे जो चीफ जस्टिस साहब का एक विजिट है उसके ऊपर भी बात हो सकती है, बहुत अभी करूंगी बात, बिल्कुल करेंगे उसमें कर लेंगे। देखिए और सिंध में काम हुए काफी सारे, ट्रामा सेंटर पूरे पाकिस्तान में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको जो कराची करते हैं, अच्छा उसको एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, कोई एहसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, काम है, बिल्कुल काम है। अमान साहब जरा मुझे ऐसा लग रहा है बजायर कि आप लोग की हुकूमत शायद, क्योंकि सीएम साहब में एक हमें लगता है कि उनकी क्रेडिबिलिटी भी है, उनके विल भी है, करना भी चाहते हैं, एग्जीक्यूशन की बात है तो मैं इस बात को नहीं मानती हूं, अगर मैं गलत हूं तो आप बिल्कुल अपना मौकफ दे सकते हैं। 18वीं तरमीम के बाद एग्जीक्यूशन का मसला आप लोग के पास नहीं, फंडिंग का है, वफाक आपको पैसे दे रहा था, पहले जो पैसे दिए गए वो कहाँ गए, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाए, क्या आप लोगों ने आवाम की डेवलपमेंट के लिए काम किया? थर के ऊपर तो मैं बाद में आऊंगी क्योंकि थर भी हमारा टॉपिक है। मुझे ऐसा लग रहा है बजायर कि आप लोगों की पूरी जो एक मशीनरी है वो इस वक्त आसिफ अली जरदारी के जो मेगा करप्शन केसेस हैं, फिर बिलावल साहब का भी नाम आ गया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वहां पर आप लोग ज्यादा फंसे हुए हैं, क्योंकि आप लोग भी ये बात करते हैं जी आमरियत का दौर आ गया है और हमारे ऊपर जो एहतसाब सियासी मुकदमात बनाए जा रहे हैं। जी देखिए मसला ऐसा है कि आप लोग करप्शन के अलावा कोई बात ही नहीं है, पिछले 10 हम तो कहते हैं जरदारी साहब को आपने 10 साल उसने जेल काटी, इन्हीं कोर्टों ने बाइज्जत तरीके से बरे किया, करप्शन से हमारा कोई वास्ता ही नहीं है। हमने कब कहा करप्शन वाले को नहीं पकड़ा, आप सुबह शाम पकड़ते रहे, इमरान खान साहब कह रहे कि करप्शन करप्शन, भाई आप मुल्क भी चलाए, आज आप 4 महीने से आप भी तो सुबह चलाए ना, नहीं कैसे सुबह तो आप सुबह चला रहे हैं, मैं ये तो कह रही हूं, हम तो सुबह अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बात सुनो, पिछले 5 साल हुकूमत में जब भी वफाक में जाहिर बातें किसी की हुकूमत नहीं थी, हमेशा हमें फंड नहीं दिए गए, पैसे नहीं दिए गए, पानी के मसले के तकसीम पे कई दफा हमारे ये इसी तरह के सारे मसाइल पे सीन के, अब आप क्या कहते हैं 70% रिन्यू, हम सबसे ज्यादा टैक्स देते इस मुल्क में, सबसे ज्यादा टैक्स हम, मैं कहता हूं रिन्यू जो देते हैं पैसा हम देते हैं वो सबसे ज्यादा सिंध से हम देते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें वो अपना हिस्सा नहीं मिलता है। 18वीं तरमीम में तो ये वाजे तौर पर ये चीजें हैं कि भाई आप तकसीम कर दें जो भी जिसका हिस्सा है, लेकिन ये चीजें आज तक हमें नहीं मिली। पिछले 5 साल हुकूमत में भी यही था, फंड का मसला था, आपने कहा था 2-3 मंसूबे इन्होंने वफाक ने यहाँ के कराची के लिए इन्होंने दिए, आज तक वो पैसे नहीं मिले, आज भी हमारी ये शिकायत है 4 महीने से आप देख रहे। अच्छा ये जो गैस का बहरान है तो आप सीएम साहब ने क्यों तावुन मांगा है, मतलब वो खुद मसले को नहीं देख सकते? सीएम साहब वफाक है, गैस का मसला जाहिर वफाक से है, लेकिन हमारे आप देखें सिंध ऐसा नहीं है कि सिंध गैस नहीं पैदा करती है, मैं मुझे कंफर्म वो पता नहीं है, लेकिन बहरहाल सिंध अभी मैं और फरहान साहब इस थ्योरी को समझने की कोशिश कर रहे थे कि बोरानी कैफियत जो पैदा की जा रही है 70% सिंध पैदा कर रही है, बहुत ज्यादा हम गैस पैदा करते हैं और इसी तरीके से फिर ये बहरान यहाँ कैसे क्यों हो रहा है, वजह क्या है? वफाक का मसला है, अब हमारी तो कोशिश होगी, भाई एलएनजी वाला केस, भाई एलएनजी वाला केस भी, जिस तरह जब मैं और ये बात करें तो आप क्यों डर रहे हैं? नहीं ये बात आप लोगों की सुन ली, जैसे पंजाब में वहां गैस पूरा करने के लिए अब इन्होंने, अब जाहिर बात है सिंध में हमारी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, खान साहब की हुकूमत ही नहीं है, तो जाहिर बात है ये चीजें हो रही है। इससे पहले पानी का बोरान था वो भी विफाक का मसला था, नहीं केफोर मंसूबे पे हम काम कर रहे हैं, देखें सारे मंसूबे पे कोशिश हमारी चल रही है इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। अच्छा अभी ये जो नैप का मसला चल रहा है, मैंने जैसे एक बात की कि इस वक्त मुल्क का असल मसला है क्या, एहतसाब है या मईशत है? क्योंकि असद उमर साहब ने जिस तरह कल बात की एक बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए, उन्होंने पहले तो एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, वो खुद अपनी ही बातों में फंस जाते हैं वो लोग,
अब असद उमर साहब ने कहा था जी सिर्फ दो लोगों को पता था डॉलर का, वजीर आजम साहब जब चार पांच साहबियों से मिलते हैं कहते हैं मुझे तो पता ही टीवी से चला कि डॉलर के रेट बढ़ गए। अब कल असद उमर साहब कह रहे हैं कि हमने तो IMF के कहने पे कोई प्रेशर नहीं लिया, ना हमने IMF के कहने पे, हमने तो उससे पहले रुपए की कदर गिरा दी थी। अब सर ये क्या है, मतलब ये देखिए खान साहब ये बात आ चुकी थी जब पहली मरतबा डॉलर की कीमत बढ़ी और जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी, गैस की कीमत बढ़ी, तो उस वक्त ये बात जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने बात कही थी कि हमने गलती की है, हमसे बता पाकिस्तान ने कि IMF से बातचीत से पहले उसकी शराइत मान ली, अब वो मज़ीद हमसे शराइत मनवाएगा, ये उनकी ओपिनियन थी। लेकिन लग ऐसा रहा था कि ये तेज शुदा उम्र है। असद उमर साहब जो कल ये बात कर रहे हैं हार्ड टॉक में, जब उन्होंने बात की थी उन्होंने ये कहा था कि रुपए की कदर हमने IMF के कहने से पहले ही, मतलब वो तो बात भी नहीं हो रही थी IMF से, और रुपए की कदर हमने डीवैल्यू कर दी, जबकि वो कह रहे थे इसके जिम्मेदार गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा साहब है, आप उनको पूछे या SECB है जो इनसे पूछे आप जाके कि ये रुपए को क्यों डीवैल्यू कर रहे हैं। ठीक है, FIA आपके पास है ना, NAB नहीं है आपके पास, FIA तो आपके पास है, FBR आपके पास है, करें तारिक बाजवा के अगेंस्ट एक्टिविटी, कौन रोक रहा है आपको तारिक बाजवा के खिलाफ या SEBI के खिलाफ एक्टिविटी, अगर कोई रोक रहा है तो उसका नाम बता दीजिए आप कि भाई किसने कहा। अगर असद उमर और मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि मैंने तो मीडिया में देखा डॉलर, तो उनको फौरन रिजाइन कर देना चाहिए कि इतने बेखबर किस्म के प्राइम मिनिस्टर हैं, इतने बेखबर किस्म के हमारे वजीर खजाना हैं जिनको ये नहीं पता। उनके सगे भाई ने कहा कि हमारे घर का सबसे डफर बंदा इस वक्त जो है वो वजीर खजाना, बड़े अहम पोस्ट के ऊपर लगा हुआ है, बड़े उसके ऊपर, उनके घर के बंदे ने ये बात की ना। बात यह होती है कि जब आप अपोजिशन में होते तो आप बातें करना तो बहुत आसान होता है। अब आप बताएं, ग्रेजुअली बता दें या यक लख बता दें कि इस वक्त मसला है क्या। आप कभी डॉलर के किसी को पर डाल देते हैं, फिर के अच्छा अगर IMF से अगर हमारे मुजाकरात होंगे जो हुए भी थे पिछली दफा, अगर फाइनलाइज होंगे तो इसका मतलब है डॉलर और आगे जाएगा, पेट्रोल फिर और आगे जाएगा, गैस की कीमत हम और बढ़ा देंगे, अपना जो हमारा नेचुरल गैस है उसको हम डंप कर देंगे, उसको कहेंगे एक्सप्लोर नहीं हो रहा, LNG में इजाफा हो जाएगा। चार रोज से इस वक्त जो है आवाम जो सफर कर रही है क्योंकि CNG स्टेशन बंद है, हर गरीब की अप्रोच जो है CNG स्टेशन या CNG भरवाने पर होती है, किराए ट्रांसपोर्टर्स ने बढ़ा दिए, कुछ आप लोगों ने रिलीफ देने की भी बात की है कोई इनके, आपका जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है वो किधर है, क्यों बढ़ रहे हैं कीमत, सनतें आपकी ठप हो रही है, ये देखे तो फिर आप लोग किस तरह सारी चीजें वो कंपनसेट करेंगे। हम कोशिश करेंगे इस मामले को, जाहिरी बात है इस मामले को, ये ऐसा मामला है कि आज आप देख लें कि पब्लिक यहाँ पे आप पूरी कराची का हाल देख रहे हैं कि सारी हमारी बसें, मजदे बसें, CNG बसें सारी गैस पे। तो आज स्कूल के, कॉलेजेस के, जितने भी गरीब मजदूर किसान फैक्ट्रियां, ये सब पे असर अंदाज होगा। लेकिन वफाक मुझे हमें समझ ही नहीं आ रहा कि सिंध के लिए क्या वो कौन सा करना चाह रहे जिसकी वजह से ये मामला। तो आपने भी तो आवाम के साथ कम जुल्म किए हुए हैं, हमने हमेशा कब जुल्म किया। मैं अभी गिनवाने बैठ जाऊं अभी तो थर के मामले पे आऊंगी तो फिर आपको थर के मामले, आप सिर्फ थर का मामला इनको, नहीं मैं सिर्फ थर की बात नहीं कर रही हूं, मैं वैसे बात कर रही हूं आपसे। आप ऐसे थर के मामले के अलावा आप लोग निकलते नहीं, आप जाए इसमें एक खान साहब एक बात कर लेते हैं। साहब आप भी साफी है ना, मुझे ये बता दें क्या मैं गलत अकाउंटेबिलिटी कर रही हूँ। चले एक बात अभी कर लेते हैं। ये जो CNG का मामला है ना खान साहब, ये मामला ये है कि ये तो हुकूमत की अथॉरिटी है कि डीजल की गाड़ियां, डीजल की बसेस, डीजल की कोचेस कन्वर्ट कर दी गई है CNG के ऊपर, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये सिंध गवर्नमेंट कर सकती है, खड़े होकर करवा। मैं वही तो कह रही हूँ, जहाँ पे आपका इख्तियार है आप वो मामला तो सेटल डाउन कर सकते हैं ना। या आप पहले कहते थे कराची में इंतजामिया MQM है, इदारे MQM के पास है, एग्जीक्यूशन तो आप लोगों के पास थी ना, आप हेल्थ का मामला ले लें, आप दीगर मसाइल ले लें, एडमिनिस्ट्रेशन का मामला ले लें, आप हमेशा MQM के मुर्दे इल्जाम टहराते थे। मैं मानती हूँ वहां भी बहुत सारी गलतियां थी। अब ये जो एक आप लोगों को सजेशन दे, कंप्लेंट कर लेना आप इसको, बिल्कुल है ना, इसमें अमन भाई एक मिनट, बिल्कुल इस पे उसकी वजह ये है खान साहब के जो डीजल की गाड़ियां जो कन्वर्ट हुई है ना CNG के ऊपर, वो अल्टर नहीं है, जैसे पेट्रोल की आपकी गाड़ी है, अब अगर पेट्रोल नहीं है तो आपने CNG डलवा ली, CNG नहीं है तो आपने पेट्रोल डलवा लिया। डीजल की गाड़ियां जो कन्वर्ट की गई हैं उनके साथ मसला यह है कि वो डीजल पे नहीं हो सकती, तो ये अगर जो नहीं है तो उसको ना खत्म करें, बोले नहीं होगा फिर तो डीजल पे चलवाया सर, फिर तो ये ट्रांसपोर्ट पे पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा, फिर उसमें बहुत मसाइल निकलेंगे। ये तो आपने एक सजेशन दिया है, अभी इनसे बोलेंगे 10 मसले अपने हाथ झाड़ के खड़े हो जाएंगे अमान साहब। इंशाल्लाह इस पे करेंगे, कोशिश करेंगे, अल्टरनेट जाहिर बात है सर्दी का मौसम वैसे ही गैस शॉर्ट है, वैसे और मैं यही बात कर रही हूँ, तो ये स्ट्रेटेजी होती है। मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद नाज़िन ये हिकमत अमली होती है हुकूमत की कि अगर सर्दियां आ रही है तो आपको पता है कि आपकी डिमांड और सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है गैस की, उस हिसाब से इनको स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए थी।
अब यही है कि आप अपने कॉलर झाड़ के दूसरे को इल्जाम देते हैं कि जी वफाक ये हमारे साथ कर रहा है। बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजिन, और गेस्ट मेरे साथ बैठे हैं पीपल्स पार्टी के। हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे मामले आते हैं जिनको आप एड्रेस कर सकते थे, गुड गवर्नेंस कायम कर सकते थे, मगर वो चीजें हमें नजर नहीं आ रही। बहरहाल अगर विफाक का कहीं ना कहीं हाथ है भी, तो विफाक के मामले को छोड़ के दूसरी चीजों को हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। अब मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए अभी कि आप लोगों ने इस बहरान को मतलब इसको एड्रेस करने के लिए सीएम साहब ने विफाक से तो मांगी है मदद, आप लोग क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं इस पे? देखिए, इसमें मसला ऐसा है कि कोशिश हमारी चल रही है, जैसे पिछले क्या कोशिश तो ये है कि जिस तरीके से अभी इंक्रोचमेंट का मामला था, हम चले गए सिंध गवर्नमेंट कोर्ट में चली गई, इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत के जरिए, और अगर नहीं हुआ तो जाहिर बात है फिर कोर्ट के रास्ते, जाहिर बात है हम कहीं ना कहीं तो शोर करेंगे। तीन दिन से सनती यूनिट्स बंद हुए हुए, सीएनजी स्टेशन बंद हुए हुए, ये आप लोग को कुछ नहीं, कितना नुकसान हो रहा है इस वक्त? बिल्कुल, हमें आपका इकोनॉमी हब है कराची, जी सही कह रहे हैं। तो फरहान साहब क्या अंदाजा है, कितना नुकसान हो रहा होगा इस वक्त? देखिए, बहुत नुकसान हो रहा है। कल जुनेद मागड़ा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और दूसरे जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर का जो पिछला दो रोज पहले का विजिट था, वो था भी इसलिए कि कराची की बिजनेस कम्युनिटी की 60% के करीब बिजनेस कम्युनिटी उनसे नाराज हो चुकी है। जो बड़े बड़े टाइकून्स हैं वो नाराज हैं इस वक्त। उनको बुलाया गया था गवर्नर हाउस में, बड़े हाथ तरले करके बुलाया गया और खुसूसी मीटिंग कराई गई, लेकिन उसके बाद भी वो मुतमईन नहीं है बिजनेस कम्युनिटी के लोग, जिनसे दो तीन से हमारी मुलाकात हुई। देखिए, वजीर आला एक काम फौरी तौर पे कर सकते हैं, उनको चाहिए कि मुश्तरका मफादात की काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए फौरी तौर पे बात करें। अगर नहीं होता तो उनको चाहिए सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में पिटीशन फाइल करें कि जनाब इसके ऊपर एक डिबेट होनी चाहिए, या तो मुश्तरका मफादात की काउंसिल का आप इजलास बुलाएं, चारों सूबों के वज़राए आला बैठकर प्राइम मिनिस्टर उसको चेयर करें, या कोई उनका नुमाइंदा चेयर करें कि इस मसले को हल, अगर है इसमें वाकई गड़बड़े, जो आपने जैसे इतना एक आदाद शुमार बताए थे कि आया यही है, या ब्यूरोक्रेसी खामा खा के लिए बात कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आपने कहा कि जी एमडीज के खिलाफ कार्रवाई, क्या हुई है एमडीज के खिलाफ कार्रवाई? सुई साधन नादन क्या कार्रवाई हुई हमें तो नहीं पता। हमने तो खाली प्राइम मिनिस्टर हाउस का एक स्टेटमेंट देखा था कि नाब दोनों एमडीज के खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन ले लिया गया, और पता नहीं कितने घंटे बताए गए थे, उतने घंटे के अंदर कहा गया कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। घंटे गुजर चुके हैं, कब के गुजर चुके हैं, बयानबाजी है। नुसरत सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, जीडीए के रहनुमा है। नुसरत, बहुत सारे मसाइल हैं कराची के, अंबार लगे हुए हैं, लेकिन अभी जो हालिया जो बहरान हमें नजर आ रहा है वो गैस का नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है इसके जिम्मेदार वाकई विफाक है, क्योंकि पीपल्स पार्टी हजब रिवायत वही कह रही है कि विफाक की तरफ से मसला हो रहा है? देखिए जी, गैस का बहरान पहली बार तो हुआ नहीं है, कि अगर पहली बार हुआ हो तो सब हैरान और परेशान हो जाए कि गैस का बहरान हो गया और गैस दो दो दिन बंद कर दी गई। ये तो पिछले 10 सालों में अगर आप देखें, पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था तब भी दो दो तीन तीन चार चार दिन तक गैस बंद रहती थी, सीएनजी स्टेशन बंद होते थे। तो ये तो अब चीज इनकी पीटीआई की कोई भी ऐसी हुकूमत के दिनों में कोई भी ऐसा काम होता है तो इस पर जो हमारी ऑपोजिशन है, खास तौर पर जो पीपल्स पार्टी और नून लीग, इन लोगों ने तो बस यही इस वक्त सोचा हुआ है कि किसी न किसी तरह इस हुकूमत को गिराएं या कुछ ऐसा करें। अब देखें, हम कोई भी हुकूमत आती है तो हर दूसरी ऑपोजिशन जो भी होती है वो कम से कम उनको कुछ तो टाइम देती है, कम से कम 6 महीने 8 महीने को, 1 साल तो दें भाई किसी को समझने के लिए। और ये तो सब पहली बार आए हैं, पहली दफा इनको हुकूमत मिली है, बल्कि दूसरे जो ऑपोजिशन रही है वो तो हद से ज्यादा हुकूमतों में रह के बड़े तजुर्बेकार लोग हैं वहां पे। तो ये सिलसिला है, और गैस का जो बहरान है इसको सिंध हुकूमत को भी देखना चाहिए। यहाँ अगर आप पूरी सिंध में देखें, अगर आप सिंध में देखें तो जहां जहां से गैस निकल रही है, अब मुझे बताएं सिंध गवर्नमेंट उस पर क्या चेक एंड बैलेंस रख रही है? क्या वहां पे जहां से गैस निकल रही है वहां के लोग, वहां की जो एरियाज हैं वहां पर उस हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है नहीं? इसका तो सारा जाता है ना इसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट के हवाले से। तो हम इसको इस तरह नहीं कह सकते कि खामखा में फेडरल गवर्नमेंट ने ये बहरान पैदा किया और डेलिब्रेटली किया, जिसकी वजह से कोई हुकूमत क्यों चाहेगी खुदा, और वो भी ये हुकूमत जो आई अवाम के उस नारे के साथ के गरीब अवाम के हम मसाइल हल करेंगे, तो वो क्यों चाहेगी कि खुदा ना खासा अपनी ही हुकूमत को खुद को बदनाम करें और अवाम को नुकसान पहुंचाएं या उनको तकलीफ दें? तो मैं नहीं समझती। और ये जो इस वक्त सिंध में हुकूमत चल रही है,
जरा इसको भी तो कोई देखे ना कि 10 साल उनके पिछले और अभी 5 साल अब ये इनको मिल गए हैं। इन लोगों ने क्या बड़े जो गैस और पेट्रोलियम के यहाँ पर बड़े बड़े जखायर हैं, यकीन माने शाजिया आप जाएं तो सही है, छठा बदीन और बाकायदा इनकी अगर फिगर देते हैं तो इंटरनेशनली ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका बड़ा ऊपर परसेंटेज है प्रोड्यूस करने में पेट्रोलियम और गैस। तो इन्होंने कभी चेक एंड बैलेंस रखा? हमने कितने रेजोल्यूशन जमा करवाए असेंबली में कि खुदारा जितनी गैस या पेट्रोल यहाँ से निकलता है जितना परसेंटेज वहाँ के एरिया के लोगों को कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि वो वहाँ पर खर्च होना है तो इन्होंने खर्च करवाया। ये लोग रोटी कपड़ा और मकान देने में मसरूफ थे ना, ये आपने जितना टेन्योर गिनवाया इनका, इन बेचारे कहाँ इनको टाइम मिलता चेक एंड बैलेंस का? जी मैंने कहा इन बेचारों को, पीपल्स पार्टी को तो रोटी कपड़ा मकान देने से फुर्सत नहीं मिल रही थी, तो ये कहाँ से चेक एंड बैलेंस रखते? अरे वही तो मैं कह रही हूँ, एक नारा जो लगाकर ये आए कि रोटी कपड़ा और मकान, अब तो ये नारा इनके लिए यूं समझें कि बदनामी का बायस बन गया है। एक होता है ना कि चलें ये नारे के हिसाब से कुछ, तो इन्होंने ये बदनामी हो गई और सारी देख लीजिए आवाम सोशल मीडिया पर इनके इस नारे को लेकर किस किस तरह की बातें हो रही। तो बात ये है कि अगर एक पांच ईयर का आपको फुल टर्म मिल जाता है तो चले उसमें आप वो गोल अचीव नहीं कर सके, फिर दूसरे 5 साल भी मिल गए, फिर तीसरा, यार हद होती है, आपके पास कॉम्पिटेंट लोग ही नहीं है, वाकई इनके पास कॉम्पिटेंट लोग नहीं है। ये लोग तो सिर्फ बैठे हुए होते हैं यहाँ कराची में, ये कभी किसी मिनिस्टर को आप देखेंगी कि कराची से निकलकर वो कश्मीर तक कोई विजिट तो लगाए, वो सिर्फ कराची का मिनिस्टर है क्या? वो कभी निकला है? एजुकेशन को देख लें, एग्रीकल्चर को देख लें, लोकल को देख लें, इरीगेशन को देख लें, तबाह पड़े स्कूल तबाह है, हर चीज तबाह यहाँ कराची में बैठकर, सिर्फ उनका काम यह है कि पीटीआई की तरफ से क्या आया स्टेटमेंट, फौरन उसका जल्दी जल्दी जवाब बनाओ, जल्दी से टिकट चला दो भाई, जल्दी से ये काम कर दो। अरे चले जरा प्रैक्टिकली काम तो करो, आवाम को नुसरत तो आप थोड़ा सांस लें, आप सांस लें, टेलीफोन लाइन पर ही रहिए। अमान साहब हमारे साथ मौजूद है, अमान महसूस साहब। अमान साहब ये जो आप लोग पे इल्जाम लगते हैं ना सर, ये सिर्फ इस वजह से लगते हैं कि वाकई आप लोगों ने आवाम के को उनके मसाइल को हल करने में कोई खातर खा दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब आप, मैंने वही बात की, सारी सरकारी आपकी जो मशीनरी है वो इस वक्त आसिफ अली जरदारी को प्रोटेक्ट करने में लगी हुई है। बिला आज भी देखे ना, आज नैब में वो लोग नैब अदालत में गए नहीं, आप फारूक एच नाइक ने कहा ये नैब केसेस बनते ही नहीं है। अब आप ये भी तो देखिए ना, मुझे गैस के उसमें सिर्फ सीएम साहब नजर आए, बिल्कुल हैं, करने की कोशिश भी कर रहे हैं, मगर और भी बहुत सारे मसाले, कल चीफ जस्टिस साहब थर गए और वो रिपोर्ट उन्होंने खुद दे दी है। मैं नुसरत अब्बासी साहब मेरी बहन की तरह हैं और हमारी कुलीग भी रही हैं, बहरहाल ये तो अभी ऐसा किरदार अदा कर रही है जैसे पीटीआई की तर्जुमान बनी हुई है, मेरे लिए बहुत काबिल हमने कब रोका है, हम तो रिलीफ ही रिलीफ है, हम तो कह रहे हैं कि हम तो हमारे जितने बिलावल साहब की आप तकरीर देख रहे हैं, जितनी भी हमारे पीपल्स पार्टी, हम तो कहते हैं कि रिलीफ आपको मिले, लेकिन इन्होंने 4 महीने में जो किया ना, देखे सबसे पहले अब ये इनसे पूछा जाए कि इमरान खान को ये पता नहीं चलता कि मेडल डॉलर का उनको नहीं पता चलता कि कैसे कंट्रोल होता है क्या नहीं होता, बोले टीवी से मीडिया से, 4 महीने में इन लोगों ने जो हाल किया है महंगाई किसी चीज में, अब कुछ तो कंट्रोल करें, गरीब को कुछ ना कुछ तो रिलीफ दे। अब जाहिर बात है डॉलर भी ऊपर जा रहे और गरीब, और यही चीखते थे हमने तो कभी कुछ नहीं बोला, अभी भी कुछ नहीं बोलेंगे, अभी भी इनको इंशाल्लाह रिलीफ देते रहेंगे, इनके साथ साथ जीडीए वाले को भी रिलीफ देंगे कि भाई आप जो कर, लेकिन ये तो अपोजिशन में जाहिर है सिंध में यही बातें करें, हमारी कोशिश रहेगी। आपको एक बात मैं बताऊं, अभी इंक्रोचमेंट का एक बहुत बड़ा मसला था कराची के लिए, आपको पता है कोई एमकेएम वाला है, कोई जीडीए, कोई पीटीआई, कोई नहीं गया, हम कोर्ट गए नजरसानी के लिए, मेरी बात सुन, सबसे पहले हमने नजरसानी, इसी तरीके से गैस के मामले में भी कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह ताला ये अभी एक दो दिन से बोरान है, लोगों को परेशानी है, सिंध की आवाम का हमें एहसास है, हमें हमेशा हम हुकूमत में जाहिरी बात है हमें वोट देते, जो हमें एहसास नहीं होगा तो आपको एहसास होगा, जो हमें सारा हुकूमत में हमें हमेशा आते हमें एहसास है और इंशाल्लाह इस मामले पे भी आज भी देखे हमारे सीएम साहब नाराज हुए और इसके साथ साथ नजरसानी नहीं हुई तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इंशाल्लाह। ठीक चले नुसरत साहब, ये तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात कर दी, जस्टिफिकेशन दे दिया इन्होंने कि ये कोशिश कर रहे हैं, अब हालात इनका साथ नहीं दे रहे तो मैं और आप तो नहीं इनको क्रिटिसाइज कर सकते ना। अब देखिए चीफ जस्टिस साहब भी कल गए थर का दौरा किया, उन्होंने मिट्टी अस्पताल भी गए और वहां जो ड्रामाई अंदाज हमें नजर आया, उसकी फुटेजेस हमें नजर आई, तस्वीरें सोशल मीडिया पे चलती रही,
अब उस पर भी ये लोग कह देंगे जी हमको तो कोशिश कर रहे हैं, बेचारों के साथ हालात ही इतने खराब है। देखिए शाजिया मेरी बात सुने, कितना बड़ा फर्क है ना, ये मुझे कह रहे हैं कि उनकी तर्जुमान बनी हुई है। मेरे भाई जो सच है जो हकीकत है उसको तो मानो, कि तर्जुमान की क्या बात है। एक गवर्नमेंट है वफाकी गवर्नमेंट, जब एक वोट लेकर आए हैं तो उनको आप कुछ तो टाइम देंगे, आपसे निसाब मांगते हैं 10 सालों का, हमने कौन सा धरना दे दिया, कौन सा इमरान खान की तरह 6 महीने में धरने शुरू कर दिया, खर्चा कर दिया, कहाँ है डेवलपमेंट, पूरे कराची से कश्मीर तक देखे कहीं आपको डेवलपमेंट नजर आ रही है, आप फिक्र नहीं करें बहुत हो रही है। आज हम नौशा वगैरह के आप रोड देखे, आप यहाँ से रिपोर्ट की है उसमें सेवन शरीफ के आप रोड देखे, पुराने रोडों में अभी बहुत फर्क है। ये लोग करते हैं, आपने देखा कि ये जो थर पे गए हैं और ये पहली दफा नहीं हुआ, यानी शर्म आनी चाहिए सिंध गवर्नमेंट को, शर्म आनी चाहिए कि चीफ जस्टिस साहब, हमारी बहन बिचारी बहुत जज्बाती हो जाती है, बहरहाल ये कई दफा असेंबली में भी यही हाल होती है, शर्म आनी चाहिए। देखिए भाई आप तो ये असल में ये आप लैंग्वेज देख लें, कर लेते तो क्या जाता इनका, मैं सफाई करवा दी, कलर हो रहा है और जनाब दरवाजों को कलर हो रहा है, गमले रख दिए, कितनी शर्म की बात है। अच्छा मेरी बात थर में तो ये नहीं है, नहीं, आप थर में जब गए तो आप भी इमरजेंसी वार्ड भी बना दिए गए, सब कुछ बना के दे बुला लिया। देखिए मेरी बात सुने, चीफ जस्टिस खुद गए थे ना, सोशल मीडिया पे आजकल आपको पता है एक प्रोपेगंडे का एक तरीका है जी, चले उसे जरा इनसे इनको भी मौका दे देते हैं, जरा जवाब ले लेते हैं। सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए आप जिस तरह शर्म वाली बातें कर रही है ना, देखो मैं बहुत तमीज और तरीके से, ये इमरान खान वाले भी यही कर रहे थे, हमने कौन से इमरान खान वालों को पकड़ लिया, धरने शुरू कर दिए, इन लोगों ने तो आपको पता है पिछले रोडों पे निकलना शुरू कर दिया। घर की सारी आप लोगों के पास डिटेल्स है, बिल्कुल डिटेल्स है, आप एक काम करें प्रोग्राम रखे ना, तरके देखे जो भी आते हैं ना, मुझे ऑफर देके चले, मेरी बात सुने आप रखे प्रोग्राम, मेरी बात सुन, नुसरत अब्बासी साहिबा को भी बुलाए और थर के जमाई नुमाइंदे, अभी सुरताल वो नहीं है, देखिए कुछ वो नहीं है तो फिर चीफ जस्टिस कैसे बोल गए, नहीं चीफ जस्टिस ने बोला होगा, देखो मेरी बात सुने, चीफ जस्टिस तो मेरी बात सुने, सिंध पे इंक्रोचमेंट का मामला था, अंदरूनी पता नहीं था कि क्या हो रहा है अंदर, देखिए ऐसी बातें हैं, खुद ही विजिट करने गए ना वहां पे, अच्छा हुआ विजिट करने गए, हमने कौन सा रोका उसको, क्या आप जाए विजिट करें, थर की कितनी आबादी है, आबादी का तो मुझे खुद इलम नहीं है, जाहिर बात है 25 लाख आबादी है थर की, 12 लक्ष जितनी भी होगी, मैंने रजिस्टर्ड देहात है, 500 देहात है, मैं सिर्फ ये 14 लाख लोग वहाँ पे पानी से महरूम है, 8-8 किलोमीटर जाते हैं पानी लेने के लिए। आप कहते हैं आप लोगों ने जो वहाँ लगाए थे प्लांट, जो लगाए थे आप लोगों ने साफ पानी के वाटर प्लांट, वो भी कितने तो बंद पड़े हुए हैं उसमें से। फरहान साहब आप गए थर, मैं तो मेरा तो इलाका है, मैं अच्छा। जब भी गोट जाता हूँ शिकारपुर और थर तो हम अक्सर जाते हैं, जब बारिशें होती हैं तो लाजमी जाते हैं, लेकिन देखें शाजिया ईमानदारी की बात है कि अब वो थर वो वाली सूरत हाल नहीं रही जो पहले थी, अब अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, बात ये है रोड देख लें, रियलिटी ये है कि रोड देने की बात नहीं, मैं बुनियादी वहाँ पे हम सिंधी में डुकार कहते हैं जो कैद साली है। देखिए चीफ जस्टिस ने 50-50 पे बात की, हेल्थ के ऊपर अदम ताबुन का उन्होंने अदम यानी इत्मीनान का उन्होंने इजहार किया, बाकी जो एक्टिविटी थी वो सीएम भी थे उस वक्त, उनको बोला कि भाई ये अच्छे एकदम आते, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं, बाकी हेल्थ के ऊपर वो किया उन्होंने। देखें लेकिन जो हमने वहां फील किया बार बार जाके, वहां पर एक तो बड़ी एक गरीब कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में रहती है और दलित या जिनको हम जो एक कम मैं हमें नहीं कहना चाहिए वो बात कि जिन्हें इग्नोर किया जाता है वो कम्युनिटी ज्यादा रहती है, वहां की कहत साली बाज हमारे इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट के लिए भी बहुत जरूरी है, मिशनरीज के लिए भी बहुत जरूरी है। इस वक्त वहां पर इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट समेत हर मजहब के लोग काम कर रहे हैं कि गरीबों को अपनी तरफ मोटिवेट कैसे किया जाए, हर एक फिके के लोग काम कर रहे हैं, ये इसलिए ये थर का कहत साली कभी भी खत्म नहीं होगी और वो आप मीडिया में जिंदा रहेगी, इसके ऊपर काम करना चाहिए कि आया वहां पर जो जिस मजहब के लोग रहते हैं, जिस फिरके के लोग रहते हैं, जिस जबान बोलने वाले रहते हैं, खुदा के वास्ते हाथ जोड़ते हैं तमाम लोगों को, इंसान तो रहते हैं ना, हाँ वही क्या उनको कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करें, उनकी मदद करें, कन्वर्ट करने के लिए मदद ना करें, अगर कन्वर्ट करने के लिए कर रहे हैं तो हमारा अल्लाह आपका गॉड किसी का भगवान सब नाराज होंगे। शाहिद साहब मैं इस बारे में एक बात करना चाह रहा हूँ, मैं आपके मैं नुसरत साहिबा का जवाब ले लूँ फिर मैं आपसे बात। नुसरत साहिबा फरहान साहब ने बड़ी अच्छी सजेशंस दी हैं, आप समझती हैं ये चीजें होनी चाहिए? देखिए शाजिया मुझे आवाज उनकी बिल्कुल सही समझ नहीं आ रही थी कि कुछ बहरहाल कुछ सजेशन ही दे रहे थे लेकिन सही मैं समझ नहीं पाई।
हकीकत ये है कि यहाँ पर पीपुल्स पार्टी के जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं उनको तो सिर्फ मिट्टी नजर आती है, उनको मिट्टी नजर आता है और वो इनको पता है कि आगे दिलपलो भी है, आगे छाछरो भी है और यकीन माने 5 लाख से ज्यादा आबादी है वहाँ और वहां तक तो ये पहुंच भी नहीं पाते वोट लेने के लिए, ये लोग वहां पहुंच जाते हैं लेकिन वहां के लोगों की, वहां के जो माएं हैं उनकी जो हालत ज़ाहिर है उसको देखने की जरूरत है। ये सिर्फ जाते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में पहुंच गए मिट्टी धर 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 वहां पहुंचे, ठंडे ठंडे ऑफिस वाले कमरों में बैठकर विजिट किया और ये वापस वही थर में बड़ा सब कुछ अच्छा हो रहा है। थर कोई मिट्टी थोड़ी है, थर तो एक बहुत बड़े एरिया पर है जिसमें बड़ी आबादी है लोगों की, वहां पर आप देखें वहां ना हॉस्पिटल है ना लोगों को सहूलियात है, ये सिर्फ इनकी जो आखिरी सांस आकर पहुंचती है वो मिट्टी में पहुंचे तो ये कभी नहीं करेंगे। और ये जो आरओ प्लांट की बात कर रही है ना आप, यकीन माने मेरे पास वो फिगर्स हैं, कभी मैं आपके इसमें आऊंगी स्टूडियो में जब प्रोग्राम करेंगे मैं वो आरओ प्लांट का पूरा फिगर लेकर आऊंगी जिसमें 700-800 से ज्यादा आरओ प्लांट में से 250 के करीब कोई चल रहे हैं, बाकी सारे नॉन फंक्शनल है। वो असल में ये लोग आरओ प्लांट तो इन्होंने बड़ी बड़ी पैसों से लगाए और आपको पता है जिस कंपनी को दिया वो कंपनी डिफॉल्टर निकली, वो कंपनी डिफॉल्टर थी। हालत तो इनकी ये है कि ये लोग सिर्फ अपने लोगों को नवाजने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि जाओ आप जितना पैसा इसमें से कमा सकते हो, जितना शेयर निकाल सकते हो निकालो। तो ये सिर्फ एक छोटी सी मैं बात कर रही हूँ शादियाँ, कराची से कश्मीर तक जितने भी डेवलपमेंट की स्कीमें आती हैं, जितने भी काम आते हैं इनके अपने अपने लोग उस पर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और फिर वो शेयर चलता है और वो कमीशन का चक्कर होता है जिसके तहत सारा सत्यानाश हो गया पूरी सिंध का, वहां पर सही तरीके से काम होता नहीं है सिर्फ कमीशन के चक्कर में। तो ये तो सिर्फ कहने की बात है, इनसे हिसाब लेना है, इनसे 10 सालों का हिसाब ले लेते हिसाब इनसे, 10 सालों में इन्होंने खरबों रुपए खा लिए, इन्होंने खरबों रुपए प्रोग्राम भी वाइंड अप करने जा रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि वहाँ के नुमाइंदे पूछ ले, मैं नुसरत अब्बासी मेरी बहन की जगह पे मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि वो आए मीडिया की टीम को। चले मैं एक बात इसको कहना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ आप ये देखो इनको जितने भी आप पीटीआई को ले ले, आप नून को ले ले, जीडीए वालों को ले ले, सिर्फ थर इनको नजर आता है, बाकी कुछ भी बस पार्टी के अलावा या थर या करप्शन। मेरी बात सुनिए, या थर या करप्शन मेरी बात सुनिए, मैं सिर्फ इनको चैलेंज करता हूँ कि हमारे वहां के नुमाइंदे मीडिया को आप लाएं कि जितना हमने डेवलप ये इम्तियाज फरहानी जिस तरीके से चीफ जस्टिस साहब तक तो मैं भी गई हूं, मेरी बात सुनिए, जितना हमने वहां पर हॉस्पिटलिटी और वहां पर रोड जितने भी हमने कोशिश की है हम भरपूर तरीके से कर रहे हैं, जितनी हमारी एफर्ट्स है उससे ज्यादा हमने किया है। तो ये आए मैं मीडिया के, आप भी आए मीडिया के लोग लाएं, फिर आप देखना है कि हमने कितना काम वहां किया है। ठीक, विजिट तो मैंने भी किया हुआ है लेकिन आप अच्छा ना विजिट आप भी आजकल अंदर की कहानी हमें भी नहीं पता, इंशाल्लाह अंदर की कहानी हमने बेहतर कोशिश की है। नहीं बिल्कुल, देखें मीडिया को जिस तरह से आप और हम आवाज उठा रहे हैं उठाते रहना चाहिए और सिर्फ थर नहीं है, अच्छे तो थर हम भूल जाते हैं, काछू हैं वहां पर भी बहुत सारे मसले मसाले हैं, थर में तो बहुत सारा काम हो गया है, अच्छे तो थर और काछू में कोई काम नहीं हुआ। हमारी सबसे बड़ी मच्छर डंड जो एशिया की सबसे बड़ी झील है वो गंदे पानी से भरी हुई है इस वक्त, उसके ऊपर कम से कम हम तो समझते थे कि शायद चीफ जस्टिस उस पर नोटिस ले लेंगे जिस